Hello friends, I am Adila from Pakistan. I am a cake artist. I make video, vlogs, baking, cooking and much more. If you like anything in my channel, don't forget to subscribe me. Thank you. Assalamu alaikum, kaise ho aap sab? Welcome back to my channel and other video and vlog. Kaise ho aap sab? Umeed karti hoon aap sab theek honge, maze mein honge aur main bhi alhamdulillah, Allah ka shukr. बिल्कुल ठीक. और यहाँ पर मैं खा रही हूँ बनाना पीच एंड एप्पल, जो कि शाम के 4 बज रहे हैं, इसलिए ये फ्रूट टाइम है. और साथ में हो रही है घर की डीपली जो 2 मंथ बाद क्लीनिंग होती है वो हो रही है साथ साथ. और इसके साथ मैं यहाँ पर उसके बाद बना रही थी टी केक, जहाँ जिसको मैंने बटर और शुगर को अच्छे से बीट कर लिया है. और अब इसके अंदर 1 by 1 एग ऐड करते जाएंगे. और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें. मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. यहाँ पे सारे हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैंने ऐड कर लिया है और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे. और जो हमारे जरकिश थी ब्लैक रेजन ब्लैक क्यूरन, उसको हमने ऐड करके तो इसको अब हम अपने केक पैन में ग्रीस के हमें डाल दिया और इसको 180 पे हम बेक करेंगे, ठीक है. ये बेक होके हमारा केक बाहर आ गया ओवन से, बहुत ही यमी सी लुक आई है, बहुत ऑसम और यमी टेस्ट का बना होगा यकीनन. और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं. अब ये फुल ठंडा हो गया तो इसके मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं. और इसको अब हम सुबह के नाश्ते और शाम की चाय में के साथ इंजॉय करेंगे. और इधर अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, आज ग्रॉसरी डे है तो हम जा रहे हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट. मैंने सोचा आप सबको भी साथ लेती चलूं, आप सब लोगों को भी इम्तियाज़ सुपरमार्केट दिखाऊं, घुमाऊं अपने साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली, अपनी यूट्यूब सिस्टर को, ठीक है. हम आए हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट, ये इधर हम अंदर एंटर हो गए हैं. और आप लोग बताइएगा आप लोग किधर जाते हैं ग्रॉसरी करने, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पर, ठीक है. यहाँ पर हम लेते हैं अपनी ट्रॉली जिसमें हम अपना रखेंगे सामान, ग्रॉसरी जिसके अंदर रखेंगे. यहाँ पे इनकी क्रॉकरी बहुत अच्छी होती है और रीज़नेबल प्राइस में होती है. हर चीज़ ऑसम होती है और रीज़नेबल प्राइस में होती है कि हर बंदे की पहुँच में हर चीज़ यहाँ से ट्राई कर सकते हैं. एवरी थिंग हाउस होल्ड एवरी थिंग इधर होती है, जो मर्जी लें. अब इधर हम एंटर हो रहे हैं अपनी ग्रॉसरी वाले डिपार्टमेंट में. और इधर से मैंने एक लिए थे फ्रोज़न पराठा, मैं पराठा रोल बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ब्लू बैंड बटर, इसे मैं अपनी बेकिंग में यूज़ करती हूँ. ये मैंने वाइट ओट्स लिए थे, इसके मैं बनाती हूँ जो ओट्स बार, इसी का बनाती हूँ. ओवरनाइट ओट्स भी इसी से बनाती हूँ. यहाँ पर मैं जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें थी वो रख रही हूँ. और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सीड लिए थे, जो कि मैं शाम को अपने चाय के साथ दिया जब ड्रामे का टाइम होता है, टीवी के सामने बैठ के एंजॉय करके खाती हूँ, बहुत मज़े के होते हैं. ये ड्राई फ्रूट है इधर सब. इधर से मैं लेती हूँ ये क्रश्ड कोकोनट, जिसका बस भूसा बनाती हूँ. अब विंटर आ रहा है, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है और मैं एक बार फिर बनाऊँगी. ये मैंने चेरीज़ ली हैं जो केक पर मैं अप्लाई करती हूँ, लगाती हूँ, ठीक है. और इसके साथ साथ यहाँ पे सब सॉसेजेस पड़ी हुई हैं, जितनी भी सॉसेज यूज़ करते हैं हम वो पड़ी हुई हैं इधर. और एवरी ब्रांड की हैं, सूरी की सब यहाँ पे पड़ी हुई हैं. इसके साथ मैं रख देती हूँ, ठीक है. ये हो गई हमारी कंप्लीट. और अब हम बैठे हैं वेटिंग में अपने बिल की लाइन में कि कब हमारी बिलिंग होती है, वेट कर रहे हैं. और इधर हो गई है हमारी बिल हो गया और हम बाहर एग्जिट ले रहे हैं. और ये आ गए हम बाहर. और ये अब गाड़ी में बैठ के भूख लगी थी, ये वहाँ से मैंने कोकोनट कुकीज़ लिए थे, अब ये मैं खाऊंगी. बहुत मज़े के होते हैं और यकीनन आप लोग भी खाते होंगे, आप लोगों को भी मज़े के लगते होंगे. बहुत मज़े की और फ्रेश इनकी बेकरी आइटम होती है इम्तियाज़ की. और अब हम जा रहे हैं घर वापस.
बहुत थकावट हो गई और अब घर आकर मैंने ग्रॉसरी सारी समेट के अब अपने लिए चाय बनाई है। अब वो मैं चाय पीऊँगी, मेरी थकावट दूर होगी। चाय के साथ साथ आप लोगों से बातें करती हूँ, ठीक है। और इसके साथ इस बार मैं ये वातिका हेयर मायोनीज़ लेके आई हूँ। इस फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई करनी है बालों में। इसका मैं आपको रिव्यू ज़रूर बताऊँगी कैसा रहता है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट देता है ये। इसके साथ मैंने ये द्रास पे ऑर्डर किया था, तो वो मेरा सुबह सुबह ही आज राइडर आया। और बाहर से जब वो मेड आई तो उसने दिखाया कि आपका वजी ऑर्डर आया है। तो मैंने कहा अच्छा, देखते हैं कैसी प्रोग्रेस। दराज से आइज़ बंद करके भरोसा है, आप जो मर्ज़ी ऑर्डर करो, जो आप देखते हो, जो ऑर्डर करते हो, वो ही चीज़ आपको मिलती है। ये मैंने फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर मंगवाई थी और साथ में मैंने ये एक कैमरा स्टैंड होल्डर मंगवाया है, ठीक है। ट्राईपोड है, क्योंकि वो कोई मूवी को शूट करनी होती है, कोई चीज़ कुकिंग की, कोई यूट्यूब की जो वीडियो शूट करनी है, तो वो मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। और बहुत औसम इनकी जो चीज़ मंगवाओ निकलती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप भी दराज से घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करो, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं तो घर बैठे ही हर चीज़ ऑर्डर करती हूँ और आती है। चलें अब मैं चलती हूँ, मुझे दें इजाज़त। कैसा लगा मेरा वो लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।